ना कांग्रेस ना बीजेपी। तो कौन? मैं खाली हीरो मानता हूँ, दो है मेरे लिए, एक अरविंद केजरीवाल साहब है, एक योगीनाथ है। अब देखिए ये बड़े बड़े जो क्या बोले बीजेपी का जो नेता हैं मोदी जी, अभी उनको नेताओं को बचा रहे हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, वो किस जगह का नेता मुझे पता नहीं है, उसके बारे में मैंने ज़्यादा सुना नहीं हूँ, तो वो उनको बचा रहे हैं। जिकी भैया सॉरी, भैया जिकी भैया सॉरी, मोदी जी ने कहा था सबके खाते में पैसा आ जाएगा, भैया मेरे खाते में पैसा नहीं आया, भैया सॉरी, भैया सॉरी। अरे हप नहीं ना समझेगा, गुर्बत ना है, है सामा समझा इसको। अरे ठीक है अभी हो जाता है, पप्पू ना हो, नहीं ना समझोगे भाई बहना। रात 8 बजे मैं टीवी देख रहा था। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और आप सभी का जनित आवाज़ में स्वागत है। मेरे साथ देख रहे हैं सिल्वर बॉय हैं, इन्होंने सिल्वर कलर के चांदी कलर के पेंट से इन्होंने अपने आप को रंगा हुआ है और ये पहलवानों के धरने में उनका समर्थन देने के लिए आए हैं। हम इनसे पूछेंगे, सबसे पहले तो आपने ये तरीका क्यों चुना, आपका बहुत अलग तरीका है। मैं अलग तरीका चुना नहीं, मैं आगे बढ़ना चाह रहा था। अब मिमिक्री है मेरे अंदर, तो मैंने वो उसको वीडियो बना बना के थक गया, तो सपोर्ट नहीं मिला था। मैंने कहा कि चलो एक मोबाइल में दिन रात एक लड़की को देखा मैंने, उसी का रूप मैंने पकड़ लिया। हाँ, एक लड़का। हाँ, गोल्डन कलर। हाँ। इंडिया गेट पे मैंने उसका रूप मिले, तो पहले मैंने मिमिक्री सीखी, टैलेंट मतलब हीरो का आवाज़ निकालो, बड़े बड़े नेताओं की आवाज़ निकालो। आवाज़ निकाल लेते हैं बस, दे दो चार आवाज़ निकाल के बताइए। मित्रों भाई बहनों, मैं आपको जान के खुशी होगी, घबराइएगा नहीं, कुछ बदलने वाला नहीं है। आपको जान के खुशी होगी, आपको तकलीफ होगी, आपको सहन भी करना होगा। आज मैं रामलीला मैदान में आया हूँ, जंतर मंतर पे धरना पे। आपको जान के खुशी होगी, ये पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ। ये कहीं मोदी जी की तो मिमिक्री नहीं है भाई बहना। रात 8 बजे मैं टीवी देख रहा था, आप लोगों को जान के खुशी होगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, टीवी सीरियल में झगड़ा हो गया है ना। और एक दो और बताइए। अब लालू प्रसाद यादव जी कहते जरूर। अरे हप नहीं ना समझेगा, गुर्बत ना है, है सामा समझा इसको। अरे ठीक है अभी हो जाता है, पप्पू ना हो, नहीं ना समझोगे। अब राहुल गांधी कहते हैं कि जिकी भैया सॉरी, भैया जिकी भैया सॉरी, मोदी जी ने कहा था सबके खाते में पैसा आ जाएगा, भैया मेरे खाते में पैसा नहीं आया, भैया सॉरी, भैया सॉरी। सोनिया जी मम्मी मेरे को आज शाम को मारेगी, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ भैया। ठीक है, आप किसको सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को बीजेपी को, किसको? ना कांग्रेस ना बीजेपी। तो कौन? मैं खाली हीरो मानता हूँ, दो है मेरे लिए, एक अरविंद केजरीवाल साहब है, एक योगीनाथ है, आदित्य योगीनाथ। हाँ अच्छा। वो मैं उनको इंस्टाग्राम पे वीडियो में मैंने बोला था, माफ कीजिएगा योगी आदित्यनाथ। हाँ जी, उनको ही मैं सपोर्ट करता हूँ, अरविंद केजरीवाल बस। दोनों का ऐसा क्या काम पसंद है? देखिए आप, जैसा कि आपको मालूम होगा कि बीजेपी के जो है मैं मानता हूँ योगी आदित्यनाथ, और अभी जो केंद्र की सरकार है वो भी बीजेपी की सरकार है, और अभी लड़कियां जो है, महिलाएं जो है, पहलवान, वो किसी के खिलाफ नहीं है, ये किसी पार्टी के नहीं है, मैं जानता हूँ पार्टी के नहीं है, लेकिन केंद्र की सरकार अगर बीजेपी की और तो क्यों काम नहीं कर रही है? अब देखिए ये बड़े बड़े जो क्या बोले बीजेपी का जो नेता हैं मोदी जी, अभी उनको नेताओं को बचा रहे हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, वो किस जगह का नेता मुझे पता नहीं है, उसके बारे में मैंने ज़्यादा सुना नहीं हूँ, तो वो उनको बचा रहे हैं, वो इंसाफ नहीं मिल पा रहा है अभी। वो कोई भी अभी मैंने देखा कि हर अलग अलग पार्टी का यहाँ नेता आ चुका, हरियाणा का लेके, पंजाब का लेके, लेकिन वो नहीं आया, कांग्रेस का नहीं आया, कांग्रेस वो अपनी पार्टी के लिए आई, वो इनके लिए नहीं, मैं ये मानूंगा बात। हाँ कांग्रेस का जब प्रियंका जी गांधी आई, केजरीवाल भी आए, मैंने ये नहीं कह रहा, वो भी तो अपने लिए आए होंगे। नहीं 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 कट्टर केजरीवाल हैं आप? नहीं, कट्टर पत्तर वाला केजरीवाल नहीं है वो, क्या जब एक होता है कट्टर मोदी, एक होता है ये छोरा था, जब वो किसान जो वहाँ पे बैठे हुए थे गाजीपुर बॉर्डर पे,
तो वो क्या माने गए थे और वहाँ पे आप वाईफाई लगवाया था, बिजली दिया था, पानी दिया था, पानी वानी सब बंद करवा दिया था, वहाँ ने पानी नहीं दिया था, सपोर्ट नहीं करा था, क्या वो वहीं पे गए थे, यहाँ नहीं आएंगे? अरे यार ऐसे क्या बात करते हो? कांग्रेस अपना राजनीति चमकाने के लिए आ रही है। और अगर ये तुम ये बात मानते हो कि अरविंद केजरीवाल वो अपने पार्टी के लिए आए थे तो आपकी सोच है, मगर मैं उनको मानता हूँ कि चलो वो अगर वो यहाँ का कोई और नेता होता तो यहाँ बैठने नहीं देता। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस हो या बीजेपी होती, यहाँ का प्रधानमंत्री सीएम तो बैठने नहीं देता, भगा देता, हम लोग को खड़ा नहीं होने देता यहाँ पे। तो अरविंद केजरीवाल साहब है, वो आए और कुछ बोल के गए, खड़ा होके भी गए। हाँ ये बात मान लो। अभी एक महीने से ज्यादा हो गया है और आप आदित्य योगी आदित्यनाथ के फैन भी हैं, आप पसंद भी करते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इनके लिए आप? मैं ये कहूँगा कि भाई इनको इंसाफ दे दे, अन्याय मिले और जल्दी से इनको ज्यादा देर तक ना बैठना चाहिए। ये भी देखो मजे नहीं आ रहे इनको यहाँ पे करके बवाल, ये काम झाम लगा के मजे तो नहीं आ रहा, हमें क्या तुम्हें मजा आ रहा है क्या? ये राजनीति कर रहे हैं, इनके पीछे कांग्रेस है, ऐसा कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ना कांग्रेस है ना ये राजनीति की तरफ से है ना कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस इनको फंड कर रही है 2024 के लिए? नहीं ये गलत बात है, मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस इनको वो कर रही है, फंड कर रही है कि हमें जिताओ हमें वोट दो, मेरे को नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो मोदी जी राजनीति नहीं लेते, कह रहे हैं जातिवाद कर रहे हैं, परिवारवाद कर रहे हैं, राज्यवाद कर रहे हैं, एक ही जाति के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक ही जाति की जगह के लोग बैठे हुए हैं। वो तो है लेकिन मानते हैं, जातिवाद है, ये जातिवादी की बात नहीं है लेकिन है एक ही धर्म के, मैं मानता हूँ पंजाब हरियाणा के सब आए हिंदू मुस्लिम भी है इसमें, लेकिन ये वाला बात मेरे को पसंद नहीं आया कि जातिवादी के धर्म पे या कांग्रेस दबाव डाल दी, ये नहीं मानता मैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, बीजेपी के खिलाफ है, और बीजेपी इनको अन्याय देने से पीछे इसलिए मुरख कर रही है क्योंकि उनके पास सबूत है, इनके पास सबूत है तो वो सबूत से पीछे हट रही है। अब ये है कि अगर आने वाले चुनाव में उनको फिर से आना है तो इनको सपोर्ट करो, इनको साथ दे। इनको सपोर्ट करेंगे तो वो चुनाव फिर से जीत सकती है बीजेपी? जीतेगी नहीं तो हारेगी, हार जाएगी, फिर हार जाएगी, ये बात मैं पक्का बोल रहा हूँ, हार जाएगी। हमने भी 2 बार मोबाइल से वोट दिया हूँ, ये नहीं जाके हम गुजर लगाए, सिर्फ मोबाइल से वोट दिया मैंने और 2 बार दोनों आदमी जीता है, एक अरविंद केजरीवाल साहब जीत गए, एक अरविंद योगीनाथ जी जीत गए। हमने सिर्फ 2 ही नेता को कभी कांग्रेस को मैंने पसंद नहीं करा आज तक, कभी नहीं जिंदगी में, लेकिन 2 नेता को मैंने आप सोच रहे हैं कि बीजेपी हार जाए? देखो ये तो अच्छे काम के ऊपर, क्या क्या काम अच्छा लगता है आपको बीजेपी का? बीजेपी का तो काम अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ ये है कि आने से सड़के बढ़िया बढ़िया, ये हाईवे सड़के पहले नहीं थी क्या? पहले जितना नहीं था उतना और बन रहा है, और काम चल रहा है, जैसे कि अभी जंतर मंतर पे देखो, इंडिया गेट पे देख लो आप कितना बढ़िया बना दिया, उस टाइम में कांग्रेस था तो जिधर से घुस जाओ जिधर से चले जाओ गंदगी खाओ, उतना सफाई नहीं था। और फिर बीजेपी तो 5 किलो राशन भी दे रही है क्या? बीजेपी के टाइम पे राशन अभी मिल रहा है, भी मिला है लॉकडाउन में भी मिला है, उससे पहले भी मिलता था, आज भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि पहले नहीं मिलता होगा, आज भी मिल रहा है। नहीं आज मिल रहा है 5 किलो राशन, तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है? नहीं 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 नहीं, वो तो भाई दिखावा है, बहुत तो कहते हैं कि हमारा आधांगात यहाँ का नहीं है वहाँ का है तो हमें नहीं मिल रहा, बहुत ऐसे बोल रहे हैं, जैसे हमारा रूपी का आधांगात है पहचान पत्र तो वहाँ मिलेगा यहाँ नहीं मिलेगा। तो बीजेपी काम अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है? भाई योगीनाथ अच्छा काम कर रहा है, अरे केंद्र की सरकार अच्छा काम, हाँ वही अच्छा काम कर रही है, योगीनाथ कर रहा है, मोदी कुछ नहीं कर पा रहा, उसको मुझे नहीं पता। 2024 में मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे? योगीनाथ आ जाए तो अच्छा है। मोदी जी आएंगे कि नहीं? नहीं मोदी जी नहीं। देख सकते हैं ये सिल्वर बॉय है, ये मिमिक्री भी आपने देखा कि इन्होंने मिमिक्री की राहुल गांधी और मोदी जी और तमाम लोग की, और सबसे ज़्यादा लालू यादव की सबसे ज़्यादा मुझे बेहतरीन लगी, और ये योगी की और केजरीवाल के कट्टर सपोर्टर हैं और कह रहे हैं कि 2024 में योगी को ये प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और मोदी का काम इनको पसंद नहीं आता है। और आपकी इस पूरी खबर पे क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, धन्यवाद।